हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर लीनियर वेरिएबल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होता है सबसे पहले तो बात करते हैं पिछले साल की आपने क्लास एट्थ में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है तब आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेश इन वन वेरिएबल ये जो स्क्रीन पर आपको इक्वेशन नजर आ रही है ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल में है सबसे पहली बात लीनियर इक्वेशन क्यों है क्योंकि इसकी डिग्री वन है डिग्री क्या होती है एक्स की पावर देखो यहां पर वन आ रही है ना इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल भी एक है एक्स है तो लास्ट ईयर हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। इनफैक्ट इसको हमने सॉल्व करना भी सीखा था टू को राइट साइड में ले जाके माइनस और एक्स की वैल्यू क्या आती थी माइनस टू बाई थ्री तो ये सब हमें पता है हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस चैप्टर में क्या होगा इस चैप्टर का नाम देखिए क्या है लीनियर इक्वेशंस लीनियर वेरिएबल्स मेन चीज यहां पे है टू वेरिएबल्स यानी कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पर देखो एक्स की पावर भी वन है वाई की पावर भी वन है तो इक्वेशन तो लीनियर हो गई वेरिएबल कितने टू वेरिएबल एक एक्स है एक वाई है तो इस चैप्टर में हम इस तरह की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे टू वेरिएबल में इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स नाइन यानी कि एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली चेंज भी हो सकता है अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री है ये क्या है इट इज द दूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन राइट यही पढ़ा था हमने ये क्या है थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो का सोलूशन है तो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो इसके भी सोल्यूशन होंगे या इसके लिए हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे कैसी इसकी सिचुएशंस बनेंगी तो इस पूरे चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं और जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी होती है ध्यान से देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर कॉफिशियंट्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑब्वियसली इंटीजर्स होंगे और इंटीजर्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है रैशनल नंबर हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं स्पेशली बोलेंगे और वेरिएबल्स के कॉफिशियंट्स बोलते हैं इनको C क्या है C भी एक कांस्टेंट रहेगा तो ये एक जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से डबल है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रजेंट दिस स्टेटमेंट तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसी होती है ये तो हमने देख ली गिवन स्टेटमेंट को इस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है चलिए अभी समझते हैं देखिए लेट कोस्ट ऑफ ए पेन हम पेन की कॉस्ट को मान लेते हैं रुपीज एक्स है ठीक है हमारे पास एक पेन है और दूसरी नोटबुक है और नोटबुक की कोस्ट को स्पोज कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक नोटबुक की कॉस्ट को रुपीज वाई स्पोज कर लेते हैं ठीक है दो चीज़ें हैं दोनों में से एक की एक्सपोज कर ली एक की वाई सपोज कर ली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब गिवन कंडीशन समझनी जरूरी है डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है गिवन कंडीशन है जी नोटबुक का जो प्राइस है पेन है, से डबल है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन अब देखो नोटबुक इ कॉस्ट यानी कि वाई इट इज इक्वल टू किसकेक्वल है टू टाइम्स किसके इक्वल टू टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए पेन और पेन की कॉस्ट कितनी है एक्स यानी कि वाई जो कि नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है डबल है किससे कोस्ट ऑफ पेन से हमने कोस्ट ऑफ पेन को एक्सपोज किया तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स आ गए हम यहाँ से जीरो इज इक्वल टू वाई को राइट right साइड में ले जाओगे तो टू एक्स माइनस वाई बन जाएगा यानी कि ये इक्वेशन बन गई टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो तो बस हमने इसी तरह से इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना था आप चाहो तो पेन को वाई एक्सपोज कर लो नोटबुक को एक्सपोज कर लो एक्स इज इक्वल टू टू वाई बनता x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो आ जाता इट डिपेंड्स कि आपने सपोज क्या किया है दोनों ही ठीक हैं जैसे मर्जी कर सकते हैं राइट right? तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए एक्सप्रेस इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी तो जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है उसे पहले तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है फिर ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है अभी फर्स्ट पार्ट देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है 2x एक्स प्लस थ्री सबसे पहले तो ये 9.35 बार राइट साइड में है ना इसे लेफ्ट साइड में ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा माइनस नाइन बार इक्वल टू जीरो अब हमें तो इस फॉर्म में लेके आना है यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो ये फॉर्म बनेगी देखिए कैसे एक्सप्रेस करना है माइनस है ना यहाँ प्लस का निशान लगा दो ये अंदर ब्रैकेट में कर दो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है अब ये एक्सप्रेस हो गया इस फॉर्म में ऐसे लिखना है विच इज विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो तो ये लिखने का स्टाइल है प्रॉपर एक्सप्रेस करने के बाद आपको ये लाइन लिखनी है और इसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है देर फोर ए इज़ इक्वल टू एक्स के साथ यहाँ पर टू है एक्स के साथ ए है यानी कि ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू यहाँ बी की जगह पर थ्री आ रहा है तो बी की वैल्यू थ्री और C की वैल्यू C की जगह पर क्या है माइनस नाइन पॉइंट थ्री फाइव बार तो इन क्वेश्चंस को इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है मैंने लिखने का स्टाइल आपको अच्छे से बता दिया है अब सेकंड पार्ट देखिए तो लिखने का स्टाइल ये फॉलो करना है आपने एग्जाम में भी जल्दबाजी में स्टेप्स नहीं काटने पेपर में हर स्टेप लिखना है देखिए जैसे अब ये है हमारे पास अब क्या है कि हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है ना तो x प्लस क्योंकि मेरे को प्लस चाहिए यहाँ पर ये माइनस वाई बाई फाइव को मैं माइनस वन बाई फाइव इन टू वाई लिख देता हूँ राइट और इसके बाद फिर प्लस चाहिए तो माइनस टेन को ब्रैकेट में लिख देते हैं अब आपने ये लाइन लिखनी है मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ तो ये एक्सप्रेस हो गया हमारा तो यहां से कंपेयर करेंगे तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी एक्स के साथ कुछ ना होने का मतलब वन बी की वैल्यू ये देखिए हमारे पास माइनस वन बाई फाइव सी की वैल्यू ये रही माइनस टेन तो आसान है मुश्किल नहीं है थर्ड पार्ट देखिए माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स चलिए देखते हैं माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई ये सिक्स का इधर आके माइनस का होगा तो मैं उसे इस तरह से लिखूँगा एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया है हमने जानबूझ के वो आपने अटेम्प्ट करना है तो ए की वैल्यू आएगी माइनस टू जो एक्स का कोफिशियंट है बी की वैल्यू जो वाई का कोफिशियंट है और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस सिक्स होगी राइट फोर्थ पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्स इक्वल्स थ्री वाई ये क्या बनेगा ये थ्री वाई लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पर अगर सी तो मेरे पास है नहीं फिर भी उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू वाई सी की जगह पर ज़ीरो लिख दो तो कंपेयर करने पे फोर्थ पार्ट के आंसर्स क्या आएंगे A की वैल्यू वन क्योंकि एक्स का कोविएट वन है बी की वैल्यू माइनस थ्री और सी की वैल्यू जीरो राइट लेट्स मूव टू फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट देखिए टू एक्स इक्वल्स माइनस फाइव वाई तो यहां पर क्या करेंगे माइनस फाइव वाई कम टू लेफ्ट साइड एंड इट विल बिकम पॉजिटिव राइट साइड विल बिकम जीरो देन टू एक्स प्लस फाइव वाई सी की जगह पर जीरो लिख दीजिए राइट दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन जो इस फॉर्म में आ चुकी है कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी टू बी की वैल्यू फाइव सी की वैल्यू जीरो राइट तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं सिक्स पार्ट देखिए सिक्स पार्ट है थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स जीरो तो अब यहां पर वाई वाली टर्म ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं है तो हम उसे जीरो इंटू वाई लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में बनाना है जीरो वाई का मतलब जीरो ही है बात खत्म है तो जीरो वाई लिख सकते हैं कॉफिशेंट ज़ीरो लगा लिया हमने ये समझ रहे हैं ना बात क्योंकि जीरो इंटू वाई ज़ीरो क्योंकि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो बनता है और जीरो प्लस टू टू होता है तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया अभी और यहां से फिर ए की वैल्यू क्या बने थ्री बी की वैल्यू जीरो सी की वैल्यू टू लेट्स मूव टू सेवंथ पार्ट सेवन्थ पार्ट है y माइनस टू इक्वल्स जीरो अब यहां पर x वाली टर्म ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है जीरो एक्स भी लिख सकते हैं अब देखो y हम वाई को चाहें तो वाई पढ़ा रहे बिल्कुल ठीक होगा इसका कोफ़िशेंट कुछ नहीं होने का मतलब वन है हम इसे वन वाई भी लिख सकते हैं अभी पीछे एक क्वेश्चन था उसमें हमने वन नहीं लगाया था तो वो भी ठीक है वो गलत नहीं है यहाँ पे स्पेशली लगा रहे हैं ताकि दोनों तरीके हमने देखे हों तो इसे ज़ीरो एक्स लिखा क्योंकि एक्स की टर्म नहीं है वन वाई सिर्फ ये शो करने के लिए कि बी के वैल्यू वन है और इसके बाद जीरो एक्स ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई या वन मल्टीप्लाई वाई और इसे मैं प्लस माइनस टू कर देता हूँ तो ए की वैल्यू आएगी जीरो बी की वैल्यू वन सी की माइनस टू तो ये हमारे आंसर्स होंगे एट्थ पार्ट देखिए लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का फाइव इक्वल्स टू एक्स यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x लेफ्ट साइड में आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा अब y तो है ही नहीं यहाँ पर जीरो वाई लिखना पड़ेगा फाइव प्लस का राइट right? तो ये फॉर्म बन गई हमारी यहां से a की वैल्यू माइनस टू बी की वैल्यू जीरो और c की वैल्यू क्या आएगी फाइव आएगी तो आज हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कि जनरल फॉर्म पढ़ी और उनके कोफ़िशंट्स के बारे में पढ़ा ए बी और सी की वैल्यू सेलेक्ट करनी और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना किसी भी इक्वेशन को सीखा और एक पार्ट हमने किया जिसमें गिवन स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सप्रेस किया आई होप आज के कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे थैंक यू